Hi everyone, welcome वेलकम बैक टू channel चैनल आर्चिस कॉर्नर आज हम बनाएंगे चीज़ सैंडविच तो आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है और खाने में भी गायस बहुत ही टेस्टी है तो चलिए इसको बनाते हैं यहाँ पे मैंने खीरा ले लिया है शिमला मिर्च ले लिया है टमाटो ले लिया है ऑनियन ले लिया है तो चलिए इन सबको करती हूँ कट तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शिमला मिर्च ले ली हूँ और इन सबको मैंने आधा आधा यूज़ किया पूरा यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं दो लोग के हिसाब से बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने थोड़ा यूज़ किया आप ज़्यादा लोग के लिए बना रहे हो तो आप ज़्यादा यूज़ कर लीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बीच का पार्ट निकाल के अलग कर दिया और इसको मैंने ऐसे स्लाइस काट लिए हैं लंबे लंबे और यहाँ पे मैं इसको छोटा छोटा सा कट कर लेती हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा छोटा छोटा सा कट हो चुका है यहाँ पे तो ऐसे ही हमको अपनी सारी सब्ज़ियाँ मैंने यहाँ पे कट कर लिए टमाटो खीरा ऑनियन तो ये सब हमारा कट हो गया चलिए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं तो यहाँ पे मैंने अपने खीरे डाल दिए हैं और टमाटो डाल दिया है ऑनियन और शिमला मिर्च तो इन सबको मैंने यहाँ पे डाल दिया है अब यहाँ पे मैं म्यूनिस डाल रही हूँ तो आप देख सकते हैं म्यूनिस मैंने डाल दिया है तो म्यूनिस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है तो इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ तो ये देख सकते हैं हमारा मिक्स हो चुका है तो आप यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है ब्रेड को आप ऐसे कट भी कर सकते हो और नॉर्मल ऐसे भी बना सकते हो तो मैंने कट करके बनाया है यहाँ पे तो बीच से कट कर लीजिए आपको साइड का पार्ट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं मैंने इसको नहीं निकाला है और यहाँ पे गाय से आप देख सकते हैं मैंने टमेटो सॉस लगाया है तो टमाटो सॉस आप अपने हिसाब से लगाइए तो मैंने यहाँ पे थोड़ा लगाया क्योंकि हम लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते इसलिए मैंने कम लगाया है और दूसरी साइड में यहाँ पे सेजवान चटनी लगा रही हूँ गाइस तो सेजवान चटनी आप देख सकते हैं खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है बहुत ही लगती है तो थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आएगा इसलिए मैंने सेजवान चटनी लगा दी और यह हमारा आप देख सकते हैं म्यूनीस मिक्स जो बना के रखा था मैंने यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है तो यहाँ पे गाइस हम आप डाल रहे हैं चीज़ डाल दे रही हूँ मैं यहाँ पे अच्छे से मैं इसको पूरे में चीज़ डाल देती हूँ कि जैसे जब खाएंगे तो सारे में फ्लेवर आना चाहिए चीज़ का इसलिए साइड में किनारे बीच में सब जगह मैंने यहाँ पे म्यूनीस डाल दिया है तो यहाँ पे गैस मैंने ऑर्गेनो डाल दिया है तो ये हमारा ऑर्गेनो मैंने डाल दिया तो ये हमारा सेट हो गया है अच्छे से चलिए मैं अब दूसरे बेड से इसको बंद कर देती हूँ अच्छे से कवर कर देती हूँ तो ये हमारा कवर हो गया इसको ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है बिल्कुल हल्के हाथ से दबा देना है कि जो हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से सेट हो जाए तो यहाँ पे मैंने साइड से और अच्छे से इसको सेट कर लिया आप देख सकते हैं मेरा बन के रेडी हो गया है तो चलिए अब मैं ऐसे ही बाकी जो अपनी ब्रेड है उसको भी रेडी कर लेती हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यह सब मैंने अपना रेडी कर लिया है अब मैं अपनी जो ब्रेड है इस पर अच्छे से सेट कर देती हूँ तो ये बाकी जो ब्रेड है मैंने इन सब में लगा दिया अच्छे से सेट कर दिया है तो गाइस ये हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैंने पैन लिया है पैन में मैं थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ बटर बटर को अच्छे से मेल्ट होने देती हूँ तो जब ये हमारा मेल्ट हो जाएगा अच्छे से तो फिर मैं यहाँ पे अपनी ब्रेड को सेकूँगी तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा मेल्ट कर लिया और पूरा इसमें फैला दिया है तो यहाँ पर दो स्लाइस रखूँगी मैं ब्रेड का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो स्लाइस रखा है जो हमारा जो से सैंडविच बना है तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख दिया है अब इसको गैस में बंद कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है जो हमारा चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बन चुका है और मैंने इसको अच्छे से सेक लिया था तो ये दोनों साइड या देख सकते हैं आप गोल्डन ब्राउन हो गया बहुत ही क्रिस्पी बना है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और आप इसको प्लेट में सर्व करिए और गाइस आपको ये ज़रूर पसंद आएगा यह बहुत ही ज़्यादा यम्मी है और आपने बच्चों को भी दीजिए वो भी बहुत शौक से खाएंगे इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा गाइस और गाइस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब मेरे वीडियो को करें लाइक साइड में बेलाइकॉन है आप उसको प्रेस कर दीजिए जिससे जो मेरी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी तो थैंक यू सो मच